भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक महिला मोर्चा के निर्वाचित हुस्ना बेगम को मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र के अंतर्गत सदस्यता अभियान एवं जागरूकता अभियान को फैलाने के लिए अल्पसंख्यक महिला मोर्चा प्रभारी काशी छिप नियुक्त किया गया है, जिन्होंने आज कैंट स्थित प्रेस वार्ता आयोजित कर बताया कि वाराणसी के महिला मोर्चा संगठन का प्रभार मुझे मिला है, जिसे मैं पार्टी के द्वारा दिए गए पद की जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी व निष्ठा के साथ निभाऊंगी। हमारा एकमात्र उद्देश्य होगा कि हम मुस्लिम बाहुल्य इलाकों के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी में सदस्यों को भारी मात्रा में सदस्यता दिलाए। हमने यह सदस्यता अभियान के तहत 50,000 महिलाओं को अपनी अल्पसंख्यक महिला मोर्चा संघ से जोड़ने का लक्ष्य तय किया है। जागरूकता अभियान में अपने आसपास क्षेत्रों में लोगों को जागरूक करना व समाज व देश में हो रहे अपराधों पर विशेष नियंत्रण दिलाना और समाज की सेवा करना, ताकि समाज में गरीब व असहाय लोगों की मदद की जा सके और जल्द से जल्द उन्हें समस्याओं से निजात दिलाया जा सके, इसकी पूरी कोशिश की जाएगी। हुस्ना बेगम ने कहा कि मुस्लिम महिलाओं के अंदर एक नई प्रेरणा भरने की आवश्यकता है, जिससे कि वह आज आधुनिक युग में भी अपनी जीविका चला सके और अपने अधिकारों और मतों का सही उपयोग कर सके। इसमें आपका मुख्य एजेंडा क्या है? अच्छा, आपका मेन मुख्य तो उसमें आप मतलब कितना लक्ष्य बना के चल रही है कि अल्पसंख्यक समाज से जोड़ने का विचार है? ये कहाँ से कहाँ शुरू किया जाएगा, कितने तारीख से स्टार्ट होगा और कुछ विशेष आपकी जो योजनाएं हैं उसके विषय में बताएं? कई वार्ड में देखा गया है कि बिजली पानी सड़क को लेकर के जनता हमेशा उस पर सवाल उठाती रही है और उसकी समस्या का समाधान अभी तक नहीं किया गया, उस पर आपकी क्या राय है? इसीलिए तो हर बार औरतों को मौका नहीं मिलता था, इस बार औरतों को मौका मिला है, तो इसलिए औरतों के इकट्ठा लेकर मैं ये चीज के लिए खड़ी हो रही हूँ। सब तो कुल मिला जुला के आप उनकी समस्या समाधान निकालने का प्रयास करेंगे? समस्या